खाला इन्हें मजाक करता जी, मस्करा है, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है इन्हें। मजाक करने की नहीं, क्या तेरी साली समझा रहे? ए, खाला इन्हें जरा जबान से और जहन से तोतला है जी सर, है तो उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना समझ। ए, चुप रहे क्यों मस्त, चुप। कव्वा लहरा के छत पे गाता है, तव्वा रह रह के मुस्कुराता है, मुर्गी आंगन में पर सुखाती है, कौन मेहमान घर पे आता है। दिल में लड्डू से फूट जाते हैं, मेरे मायके से लोग आते हैं। तेरे लोगा जो घर को आते हैं, किसके बाबा का खाना खाते हैं, झाड़ू कां के कंगाला मेरे बच्चे को सब डुबाते हैं, नरम लोगों को सब रगड़ते हैं, मिठे बेरा में कीड़े पड़ते हैं। अरे खाला, खाला कौन किसके घर को जाता, मजबूरी लाती, बंदा बंदे के काम आता, कब किसी की हमेशा चलती है, शाम होते धूप ढलती है। अगे उंगलियां झटका को बात करती है तू, मुंडे मटका को बात करती है तू, तेरे दीदे दीवाला हो को जाओ, तेरे दीदे मटका को बात करती है तू, क्या गे घुर्री सो, तेरे दीदे फोड़ूंगी, दांत किल्ली उठो के छोड़ूंगी। अरे छोटन छोटन, तेरी खाला का बीपी चढ़ गया रे, जा जा जा, जा को ठंडा माजा लेको, जा जा रे। अरे बैठा क्या, जा, अरे जा रे भाग। ए जा जी, चलो तुम्हें दे दो, अंदर जाओ। मैं कह को अंदर जाना जी, और खाला आप एक बात सुनो, बुरा नको मानो, आप दुनिया मेरे से ज्यादा देखे सो है, आप मेरी अम्मा के उम्र के है, आप मेरे अम्मा के जैसी छे। बोल माँ, बोल, तू भी मेरी बच्ची के जैसा क्या है, बोल। खाला बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात बोले कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए, बात खंजर की काट होती है। अगे मिंकी, मिंजे खंजर की काट बोली ना, मिंजे कीड़ खाई सो नाट बोली ना, मिंजे दिख के मुर्दों की घाट बोली ना, गुड़ पो फेंके सो टाट बोली ना, मिंजे चिपकिया सो चंबू बोली ना, मिंजे तड़खिया सो बम्बू बोली ना। कहाँ बोली ना, कहाँ बोली खाला, मैं सामने बैठे हूँ ना जी। चुप कर रे दलिंदर, तू जोरू का गुलाम हो का पड़े ऐसे वाला, तुझे क्या मालूम, देख क्या क्या बोल रही हूँ। नहीं खाला, आप इनके साथ ऐसा बात नहीं कर सकते, आप इनको जो भी समझ रहे ना वो गलत है, और इंसान जोरू की मदद किया तो जोरू का गुलाम कैसा बन जाता खाला। अगर बेटा माँ की मदद करा तो फरमा बरदार बेटा बोलते, बेटा बाप की मदद करा तो इज्जतदार बेटा बोलते, भाई की मदद करा तो भरोसेमंद भाई बोलते, बहन की मदद करा तो फर्ज बोलते, वही मदद जोरू की करा तो जोरू का गुलाम कैसा होता खाला, ये कौन सी दुनियादारी तुम्हें बोलो। वाह रे बेटा वाह, क्या जोरू लाया रे बेटा, हमारे जमाने में सास के सामने हमारी जुबान नहीं खुलती थी, हमारे मुंह में जुबान है नहीं है वो नहीं मालूम होता था, कैसा चर 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 कर रही देखे उसकी जुबान, मेरा मुंह बंद कर दे रही इन्हें। मैं कह को मुंह बंद कराऊंगी खाला, मैं कौन, तुम इज बोलो मैं ऐसा क्या बोली। तेरी आदत है हाथ मारेंगी, बातों में बात मारेंगी, अम्मा जैसी है बेटी वैसी है, पाँव पकड़े तो लात मारेंगी। अरे खाला क्या बाता कर रहे खाला, क्या इनू का घोड़ी है जी, पाँव पकड़े तो लात मारने के वास्ते। चुप कर रहे दलिंदर, जोरू के पैरां धोकर पानी पी तो, अम्मा जोरू का गुलाम हो गया रे तू पूरा, क्यारा जिलों का जीना जीता है उसके पैरां धोकर पानी पीता है। तुम कब देखे खाला मेरे पैरां धो के पानी पीते सो, हो जी तुम मेरे पैरां धो के पानी पीते। खाला इनू मेरा झूठा नहीं पीते, ढक्कन नहीं सो बॉटल को हाथ नहीं लगाते, तो मेरे पैरां धो के पानी कैसे पीते। देखो खाला ये हसद जलन की चटनी हमारे घर में नक्को कूटो। अगे मुझे दुनिया की कुटनी समझीगे, लाल मिर्ची की बुकनी समझीगे, मिंजे दम्मे की दुकनी समझीगे, फूटिए सब फुकनी समझीगे, सास आंदे तेरी पीठ फोड़ूंगी, तेरी तुर्बत बना को छोड़ूंगी, पूरे पीरों के हाथा जोड़ूंगी, तेरे मिठे घोड़े बना को छोड़ूंगी, दिल को सुकून मिल जाएगा, सूखी ढाली पे फूल खिल जाएगा। अजी मेरे हाथ से खाला का मर्डर हो जाएगा, देखो
इनको खामोश बिठाओ, नहीं तो एक वकील से बात कर लो मेरी जमानत के वास्ते। बेगम बेगम, आज अमावस है, शैतान का गलबा ज्यादा रहता। तुम आयतल कुर्सी पढ़ लो, मैं खाला को संभाल लेता हूँ। तुम संभाल लेते तो ये दिन कहीं को देखना पड़ता था मेरे को। ठीक है, तुम ही संभालो। नहीं नहीं नहीं, तुम ही संभालो प्लीज, आई कांट हैंडल दिस खाला। डोंट फियर, हस्बैंड इज हियर। अरे खाला नादान है, मासूम है, इन्हें क्या तुम्हारे से ज्यादा दुनिया देखी जी खाला? तुम उसके साथ क्या बहस कर रहे जी? छोटों के साथ बहस करके अपन छोटे नहीं हो ना खाला। टेक इट इजी, जाओ ए चलो अंदर जाओ चलो। खाला मेरे को आप बोले नहीं, कैसा आना हुआ? सब खैर खैरियत कैसा आना हुआ? क्या खैरियत है कि क्या है कि रे बाबा, तबीयत अच्छी नहीं थी, पैरों में जख्मा हो जा रहे, सूख रहे नहीं, सूखने पे सूख रहे नहीं। हाँ। वहाँ पे पूरे टेस्टांग करा ली। हाँ। हैदराबाद को जाओ बोला डॉक्टर, उससे यहाँ पे दिखाने को ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अकेले कहीं को है खाला? सिराज को भी लाना था ना। अकेले कहाँ ही रे बाबा, आको है सिराज भी, मेडिकल को जाको है दवा लाने के वास्ते। अच्छा 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 अच्छा, अरे सिराज आओ यार, आ गए ना? अरे आओ यार अंदर आओ, उतारो चप्पल आओ। अरे शर्म आ रही क्या यार, आओ अपना घर समझो। आओ लो ये टॉनिक दिए, दो ढक्कन पियो के थे। डॉक्टर साहब बोली उतना कुछ परेशान होने की बात नहीं है, सर्दी के पाने नक्को खाओ गया तुम्हें, पी को सुकून से आराम करो। भैया आओ जी जरा बात करने का। बोलो यार ये जी। भैया अलग बात है। क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है ना? हाँ ऐसा कहीं कुछ छोटी डाली है सूरत, क्या सब खैरियत? जी भैया किसको भी नक्को बोलो जी, परसों हमारे अम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, जाको डॉक्टर के पास टेस्टा वेस्टा कराया तो उन्हें कैंसर की अलामत है करके बोलिया। अरे वो डर तो... कुछ हैदराबाद को लेको आया सो मैया। तो ये बात खाला को तो नहीं बोला ना? कैसा बोलूं जी, डर को है पुतका को मर को जाएंगे उन्हों। अरे भाई तू नको जरा खाऊन बैठ, देख तो ये बहुत बड़ी बात है कि तू सही वक्त पे जो है सो टेस्टा करा लिया। वो शाम में एक डॉक्टर है तो बहुत बड़ा है कहते ना। हाँ। उन्हें टेस्टा चेक करेंगे, आओ देखेंगे भैया बोल को बोलिया। अरे भाई इसके उसके पास नक्को जा रहे हैं भाई, सुन मैं तेरे को एक अच्छे डॉक्टर का एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे जा, वो डॉक्टर के हाथ में शिफा है सर, रात 10 में से 9 कैंसर के पेशेंटों को ठीक कर दिए सो वाले हैं ना। दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर हाथ ना उठा दिए, भाई ये कैंसर के पेशेंट काम इलाज नहीं कर सकते, 4 दिन में मर जाता, 24 घंटे में मर जाता, खानदान वालों को बुला लो दिखा लो मिला लो बोल के तमाशे कर दिए से डॉक्टर हैं। वैसे पेशेंट उनके पास जाके सेहतियाब होके आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे। माशाल्लाह हमारे अम्मी का इलाज भी वही करेंगे जी भैया, बहुत बड़े डॉक्टर दिख रहे सोनू। रिसर्चिंग डॉक्टर, 14 साल से कैंसर की दवा पर रिसर्च कर रहे हैं, 30 साल का उनका खुद का तजुर्बा है, उनकी खुद की पर्सनल लैबोरेटरी है जिसमें उन्होंने कैंसर पर रिसर्च करते हैं, WHO के मेंबर भी हैं, वर्ल्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी भैया मैं होम्योपैथी सुना था, ये इलेक्ट्रो क्या है जी भैया? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, ये एक जदीद साइंस है, न्यू साइंस है, जिससे कैंसर के पेशेंट का इलाज हो सकता। अच्छा बहुत बड़े डॉक्टर दिख रहे हैं, क्या नाम जी भैया इनका? डॉक्टर शुजा खान, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के MD है, मतलब मास्टर है, एक्सपर्ट है। इधर उधर जाके वक्त और पैसा बर्बाद करने से अच्छा डायरेक्ट डॉक्टर शुजा खान के पास जाओ, इंशाल्लाह ताला तुम्हारे अम्मी का कैंसर खत्म हो जाएगा। अजी भैया इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक रहता क्या? क्यों बोले तो नॉर्मली कैंसर का इलाज बोले तो बहुत डेंजर, ऑपरेशन सीजरिंग वो फिर क्या बोलते हैं एंजियोग्राफी, वो कॉम भी क्या की बोलती सो केमोथेरेपी रहता है। केमोथेरेपी, देखो मेरी बात सुनो तुम, डॉक्टर शुजा खान साहब का कैंसर का ट्रीटमेंट टोटली अलग है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी बोले तो 100% हर्बल रहता, न्यू साइंस को और हमारे डॉक्टर शुजा खान साहब के 30 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करके उन्होंने अलग अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसका इलाज करते हैं। अब तुम इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बोले तो करंट देते हैं सिर्फ? नहीं 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 वैसा कुछ भी नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रो, ये बायोलॉजी है, कभी तुम्हारा फुर्सत में समझाता हूँ। अब ये डॉक्टर साहब के पास इलाज कहीं को कराना पूछो। क्यों कराना जी भैया? कई को बोले तो इन्हों कैंसर के पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करते, सर्जरी नहीं करते, रेडिएशन नहीं करते, इनके पास जितने भी पेशेंट आए उसमें से 90% पेशेंट सेहतियाब होके आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे। दूसरे डॉक्टर ट्रीटमेंट के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते, जिंदगी बर्बाद कर देते, मगर इन्हों सिर्फ हजारों में इलाज कर देते। एक गरीब से गरीब एक मामूली इंसान भी इनके पास जाके कैंसर का इलाज करा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर शुजा खान साहब के पास अगर आप ट्रीटमेंट कराएं तो कीमोथेरेपी से बच जाते। अजी भाई ये कीमोग्राफी क्या रहती जी? ग्राफी नहीं आ रहा, कीमोथेरेपी बोलते हैं इसको। ये क्या है, एक किस्म की थेरेपी है,
जिसमें कैंसर के पेशेंट को इंजेक्शन देते कैंसर के बैक्टीरिया से लड़ने के वास्ते, मगर ये इंजेक्शन इतना ख़तरनाक रहता हमारे जिस्म के जो अच्छे सेल्स है, जो हेल्दी सेल्स है, वो डैमेज हो जाते, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत उल्टा ख़राब हो जाती, गल्ला था बैगन में मिल जाता उन्हें। अच्छा देखो यार, वो सबसे पहले तो कैंसर को छेड़ना नहीं, छेड़े तो और स्पीड से फैल जाता उन्हें। इसके वास्ते डॉक्टर सुधा खान साहब उसको छेड़ते नहीं, जहाँ कहाँ वहीं ख़त्म कर देते। बहुत अच्छी बात है। तो जी भैया, कुछ साइड इफेक्ट रहती क्या इसके? अरे यार वो देखो, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है। अच्छा भैया, दवाखाना कहाँ है जी इनका? इनका मेन क्लिनिक जो है सो बंजार हिल्स पे है, मगर पेशेंट्स और लोगों की डिमांड की वजह से उनका दूसरा क्लिनिक ईदी बाजार पे खोले, फिर तीसरा जो है सो चिलकुलगुड़ा सिकंदराबाद पे है। बाकी की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। अच्छा भैया, हमारे अम्मी की तबीयत ठीक तो जाती ना जल्दी, क्या हम बोलते कैंसर के पेशेंट नहीं बचते कहते जी। हमारे सिराज भाई, हिम्मत रखो आप, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर कोई खुदा नहीं इंसान की जान बचाने के वास्ते, डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता, शिफा देना अल्लाह के हाथ में है। सुने, अगर इंसान का रिस्क ख़त्म हो गया ना, ठोकर लग के मर जाता, मौत को सिर्फ बहाना रहना। अगर इंसान का रिस्क बाकी रहा तो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ के बाहर आता और खुशहाल जिंदगी गुजारता। सब अल्लाह की मर्जी है सिराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। तो गाइज, आप लोगों को वीडियो कैसा दिखा? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो वीडियो में हम कैंसर के बारे में बात करें, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, जो डॉक्टर सुजा खान साहब के बारे में बात करें, वो शख्सियत मेरे बाजू में मौजूद है जिसको आप जो है सो देख रहे हैं। अब ये खुद जो है सो आपको कुछ इनके एक्सपीरियंस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। जी एक्चुअली क्या है कि कैंसर आजकल एक ऐसा मर्ज है जो कि बहुत दुनिया में छाया हुआ है और कई लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। और जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली हमारा जो पैथी है वो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी है, जो कि 100% हर्बल है। लोग इलेक्ट्रो का मतलब कोई करंट वगैरह समझते हैं, लेकिन करंट वरंट कुछ नहीं रहता। जो सूरज की किरणों की वजह से जो पत्तों में, पेड़ पौधों में जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है, तो उसको हम एक स्पेशल प्रोसेस होता है, कोहबेशन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस से हम लोग जब मेडिसिन बनाते हैं, तो कैंसर के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसी रिसर्च करके मेडिसिन 14 साल की मेहनत के बाद कुछ मेडिसिन हमने ईजाद की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैंसर क्योर हो रहा है। तो मैं अपनी जानिब से ये पैगाम देना चाहता हूँ रजा भाई की जानिब से कि भाई आप लोग आएँ हमारे पास, इलाज कराएं कैंसर का, कोई भी टाइप का कैंसर, कोई भी स्टेज का, हमारे पास इंशाल्लाह क्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दिख जाएंगी, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और अगर आपको वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक, कमेंट, शेयर मार के वायरल करिए, आपके दोस्त अहबाब के साथ शेयर करिए। खुदा हाफिज़। कट कर दे वो।